महाविद्यालय के मेयर के विद्यार्थियों ने अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ प्राचार्य को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग करी कि जो एलएलएम का इन्होंने परीक्षा परिणाम जारी करा है उसमें संशोधन करके सभी विद्यार्थियों को पास करें, क्योंकि इन्होंने जो परीक्षा परिणाम जारी किया उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से धांधली हुई है, क्योंकि जो बच्चों को फेल किया गया है ये वही विद्यार्थी है जो इन्होंने एलएलबी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, क्योंकि 55% से कम वाले विद्यार्थियों का वैसे ही एलएलएम के अंदर एडमिशन नहीं होता। ऐसे के अंदर जो इन्होंने परीक्षा परिणाम जारी करा है उससे सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है। दूसरे हमने ये मांग करी है जो एलएलबी फर्स्ट ईयर का इन्होंने एडमिट कार्ड जारी करा है उसमें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के स्टूडेंटों का जो सेंटर है वो विलफ्रीड कॉलेज के है, उसको संशोधित कर वापस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज करें, क्योंकि विलफ्रीड कॉलेज अजमेर शहर से बहुत दूर है, वहाँ पे संसाधनों का अभाव है, वहाँ पे कोई भी टेम्पो बस स्टैंड से डायरेक्ट नहीं जाता, ऐसे में विद्यार्थियों का आवागमन परेशानी होगी। उस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर के अंदर पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी अजमेर से बाहर के हैं। इन दोनों मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद एक बड़ा प्रदर्शन अजमेर में करेगी। रचित कछावा, निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, सांसद प्रतिनिधि।